आदिवासी महिला की पिटाई के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बागडोगरा में सालीसी सभा में एक आदिवासी महिला को पीटने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि 19 जुलाई को भुजियापानी इलाके में 2 महिलाओं के बीच विवाद और मारपीट की घटना घटी थी। उस समस्या को सुलझाने के लिए एक और आदिवासी महिला गई थी। आरोप है कि घटना के अगले दिन सालीसी सभा के दौरान महिला की पिटाई की गई। महिला का आरोप है कि उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया था। हालांकि पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में महिला ने निर्वस्त्र कर मारने की बात नहीं कही है। महिला ने थाने में लिखित में शिकायत दी है कि उसके साथ मारपीट की गई और कुछ लोगों ने उसके शरीर पर हाथ डाला था। इसी बीच दूसरे पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर बागडोगरा पुलिस ने प्रदीप सरकार, गौरी सरकार, ललिता बाल्मीकि और शिवा बाल्मीकि नामक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डुअर्स तराई आदिवासी महिला संगठन ने आज महिला से मुलाकात की। संगठन की संस्थापक विनीता कुजूर टेटे ने कहा कि घटना निंदनीय है, साथ ही उन्होंने इस घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। बीते कुछ दिन से हम लोग कल ही हम लोग वीडियो के थ्रू से एक खबर मिला था ये जितनी उराओं के बारे में, तो हम लोग उसी खबर को देख के जितनी उराओं का घर पे आए थे, कल भी आए थे और आज भी आए हैं कुछ इसमें घटना घट ना जाए बोल के। तो बीते 19 तारीख को ये लोग का जो एक झगड़ा हुआ था 2 महिलाओं के बीच में, तो 19 तारीख मारपीट होके अपना घर आ गए, उसके बाद बीच में कुछ नहीं हुआ। तो 20 तारीख को इसको वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहीं पब्लिक मिलके इसको मारा था। कितना जन लड़की लोग था, वो लोग से मारपीट हुआ, इसको इसका कपड़ा पूरा फाड़ दिया गया था मीटिंग में। वो भी 20 जन 25 जन 30 जन कितना था इतना ही बोल रही है। और दूसरी बात है, उस समय पंचायत भी प्रेजेंट थी वहाँ पे, उसके प्रेजेंट होने पर भी उसके ऊपर हाथ लगाया गया, तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है।